नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से अपने किचन गार्डन में हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पॉटिंग मिक्सर लेकर आया हूँ जिससे कि आपका पौधा सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, फंगस नहीं लगेगा, हमेशा रोग मुक्त रहेगा और हरा भरा रहेगा। इसके लिए आपको दोस्तों बहुत दूर नहीं जाना है। जो आपके घर में जो कूड़ा निकलता है, गार्डन में कूड़ा निकलता है, जो आसपास पार्कों में पत्तियाँ हैं या गोबर है, उसी से बनेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा घर का कूड़ा है। इसमें प्याज के छिलके हैं और लहसुन के छिलके हैं, जितने भी ये आप देख सकते हैं, ये लौकी के छिलके हैं। ये छिलके आपने अच्छे से सुखाने हैं और सुखाने के बाद आपने इनके खाद बनानी है। और ये अंडे के छिलके हैं, इनमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। कड़ी पत्ता के लिए तो ये अंडे के छिलके एक वरदान साबित होता है। और इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये चाय पत्ती है, गुलाब के लिए चाय पत्ती बहुत बढ़िया होती है। तो ये घर के जो आप लोग चाय पीते हैं उसकी चाय पत्ती फेंक देते हैं, ये भी बहुत बढ़िया खाद का काम करता है पौधे में, तो इसको भी फेंकना नहीं है। और ये कुछ गार्डन में जो आपके फूलों के पौधे हैं और जो पत्तियां हैं, इनको भी मैं फेंकता नहीं हूँ, इनसे भी मैं खाद बना देता हूँ। इसमें जो पतली डंडी है, मोटी डंडी है, सबका मैं खाद बना देता हूँ। मोटी डंडी को खाद बनने में टाइम लगता है, लेकिन उसे गमले थोड़ा सा हल्के रहते हैं, तो इसलिए मैं इनको गमले में यूज़ करता हूँ। तो ये दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हैं, ये भी जो आपके फूलों की डंडियाँ हैं कोमल वाली, वही हैं। इससे गमला बहुत हल्का रहता है। ये आपका जो कुसुम के पौधे होते हैं, जिनको अमेरिकन केसर कहते हैं, उन्हीं की डंडियां हैं और ये बहुत हल्की होती हैं, तो इन्हीं से हम बनाएंगे। और ये नीम की पत्तियां आप देख सकते हैं, नीम की पत्तियां भी मेरे पास बहुत सारी हैं। और ये मेरा कूड़ा सुखा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये घर का कूड़ा है, ये थोड़ा सा गार्डन की मिट्टी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गोबर है और ये पुराने जो गमले हैं वो खाली करे हैं मैंने, उन्हीं का जो ये यहाँ पर मिट्टी आप देख सकते हैं। और इसमें सब कुछ है, रेत भी है, थोड़ा बहुत खाद भी है, लेकिन मैं इसको हल्का भी बनाऊंगा और इसमें और खाद मिलाऊंगा ताकि पौधा बिल्कुल हरा भरा रहे, सूखे ना, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा खाद की ज़रूरत बाद में पड़े ना। तो ये डंडियाँ भी मेरी तैयार हैं, इससे गमला आपका हल्का रहेगा। और ये मोटी डंडियाँ भी इसमें है, साथ में ये आप ये मोटी डंडियाँ देख सकते हैं, ये बहुत हल्का पौधा होता है, तो ये गमला आपका हल्का रहेगा। तो ये सारा आप इसमें मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा इन डंडियों में हम गोबर मिलाएंगे ताकि ये जल्दी सड़ेगा और जल्दी इसकी खाद बन जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है हल्का गमला बनाने का भी, और गमले में ज़्यादा से ज़्यादा इसको न्यूट्रिशन मिले उसके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। और नीम की पत्तियों से आपका फंगस नहीं लगेगा, नीम की पत्तियाँ भी इसमें मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको आजकल गार्डन में नीम की पत्तियाँ बहुत गिरी होती हैं, तो उनको उठा के आप ये इसमें मिला सकते हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती हैं, इसे गोबर मिला देंगे। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें मिला के आपको गमले में भर देना है, कम से कम 6 महीने तक तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चम्मच आप कोई भी खाद इसमें डाल दीजिए और सारा चीज़ आप इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपने इसमें मिक्स करनी है। पहले हम ये सारे कूड़े, जो घर का कूड़ा, पत्तियाँ और गोबर, मिट्टी, सब मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमारा ये पॉटिंग मिक्सर तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी इसमें, सबको बराबर अनुपात में आपने इसमें डाल देना है और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है। तो ये सब मिक्स हो जाएगा, अभी बराबर अनुपात में इसको मैं डाल रहा हूँ। ये 5-6 गमलों के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं ये पॉटिंग मिक्सर, क्योंकि अब पुराने जो पौधे हैं अब वो निकल जाएंगे, नए पौधे अब शुरू हो जाएंगे, तो इनको हम अच्छे से एक बार मिला देंगे। तो ये मिल रहा है दोस्तों। और एक बहुत विशेष चीज़ इसमें हम डालेंगे, हल्दी। हल्दी भी कई बीमारी में काम आता है, ये वही हल्दी है जो मैंने दोस्तों अपने गमले में हल्दी के पौधे उगाए थे और उसी से ये हल्दी तैयार करी थी। तो 2-3 चम्मच हम इसमें हल्दी मिला देंगे, जितना आपका पॉटिंग मिक्सर है उसी हिसाब से इसमें हल्दी मिलाएंगे। तो हल्दी से भी बहुत सारे कीटाणु, ये भी कीटनाशक का काम करेगा आपके गमले में। तो ये आपका पॉटिंग मिक्सर तैयार हो गया दोस्तों। अब इसको ये बिल्कुल गमले में भरने के लिए तैयार दोस्तों है। इस तरह से पॉटिंग मिक्सर आप तैयार करेंगे तो आपका गमला हमेशा रोग मुक्त रहेगा, हरा भरा रहेगा और कभी सूखेगा नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।